हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये आपकी प्रांजलि भंडारी। तो अभी आप हो रहे हैं फेवरेट ब्लॉगर। किसने बोला ये? कुछ भी। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और अभी हम जा रहे हैं वॉक पे। थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा है, इवन बारिश भी हो रही है। लेकिन कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना। और जो चैनल पे नया है वो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आपको अपना हॉस्टल दिखाऊंगी आज। तो ये हमारा क्या हॉस्टल का गेट है, मेन गेट। यहाँ से अंदर का मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तब तक के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। इधर से क्या बोल रही हो? इधर से निकलना है। तू निकल जाएगी। ये देखो इतनी, ओ इतनी पतली है तू। मैं भी ट्राई करती हूँ, वैसे मैं तो आराम से निकल जाऊंगी। क्या नहीं, आ जा। क्यों डांट पड़ेगी अभी, इतना क्या डरना। यहाँ पर है मंदिर, एक सूर्य देवी मंदिर, माँ सूर्य देवी का मंदिर। और ये रास्ता जाता है यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कैंटीन वगैरह है, शॉप वगैरह है कुछ। तो फिर हम लोग यहीं से सामान खरीदते हैं। तो हम चल रहे हैं बिना छाते के और बारिश काफ़ी तेज हो रही है। वैसे आप देखो भीग भी गए हैं। फोन में लगी औरत। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम सामान वगैरह लेते हैं। ये मंदिर है माँ सूर्य देवी का। मैं अंदर कभी और दिखाऊंगी आपको अच्छे ढंग से, अभी मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। और अंदर अभी कीर्तन भी चल रहा है, वैसे तो बारिश हो रही है। तो हम आए हैं वैसे एटीएम में, कॉलेज के जस्ट बगल में एटीएम है ये मेन गेट। कितने पैसे निकाले तुमने आज? ₹5। ये जस्ट मंदिर के सामने ही है ये वाला एटीएम। कैसे पता? क्योंकि मेरा इसे रोज का काम है पैसे निकालना। ओहो अमीर बंदे, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा पैसे दे दो, थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसे हम गरीबों को भी दे दो प्लीज। कर देगी, अकाउंट नंबर भी भेज देना आप लोग। ओ यहाँ से चलो, फिर कहाँ जा रही हो? कमेंट सेक्शन में अकाउंट नंबर लिखिएगा, उसके अकाउंट में पैसे जितने मांगेगा। हाँ ठीक है, ₹5 नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल हमें दे दे, हम साथ में अभी। देखो इस बेशरम औरत को। और ये ग्राउंड है यहाँ का, ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे काफी भीड़ होती है शाम को। और अभी आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से। ये हमारा सामान, पेट का गुजारा, गंदा गंदा सामान। ओहो ओहो, इसमें भी मैगी ही है। और ये देखिए यहाँ से श्री कोट का मार्केट दिख रहा है। बास्केटबॉल का कोर्ट भी है वहाँ। कहाँ पर? वो देख लो, उच्च होगा वो, देख ग्राउंड के उस स्टेडियम बने और बास्केटबॉल का कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, ये देखो जूम करके दिखाना। यहाँ से ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना। बस यहाँ पे। और ये हम सामने जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, ये देखो इनको, ये घूम पागल, ये हमें रंगे हाथों पकड़े गए किसी की बाइक पे लिफ्ट लेके निकलते हुए। ये हमारे हॉस्टल के दो ऐसे चोर बच्चे हैं जो कभी भी निकल जाते हैं और कभी गौर से देखे। गौर से देखिए, अगर आपको कहीं भी दिखे अगर आपको ये लोग कहीं भी दिखते हैं, इनको लिफ्ट मत देना। बिल्कुल लिफ्ट नहीं देना, क्योंकि ये किसी के लिफ्ट लेके चल पड़ते हैं। देखिए जो गौर से गौर डाल, इससे तो ज्यादा गौर डाल। हाय हाय, चले मौसम के देखो इशारे, कितने हसी है नजारे। इनकी अपनी गप्पे चल रही है। Your boy, who got you crying like that?
ये बारिश का मौसम बहुत अच्छा है इसके लिए, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, कृपया गौर करें इस फेस पे देखिए, और आप लोगों को बारिश में नहाना है तो आ जाइए, ये जिसको नहाने में दिक्कत होता है वो बारिश में नहाते हैं। देखो इन नमूनों के हाल, तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम अपने बताओ क्या होगा। सारे हॉस्टल इसी के अंदर है, चलिए ये होती है पूरे दिन। सलीम मैं कब आई हूँ तुम्हारे हॉस्टल में, इतना तू इधर होती कहाँ है, रिकॉर्ड करना आज इधर कहाँ होती है तू, हमारे हॉस्टल में पड़ी होती है। देवी हॉस्टल है रिसर्च वालों का, और ये दो लोग पागल जो किसी की भी लिफ्ट लेकर आए थे, देखिए किसी से भी लिफ्ट लेकर आया, सारे हॉस्टल मतलब अंदर ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं जाना। जब गंदी शक्ल है तो आएगी ना, विशाली की तो अच्छी है, तुम अपनी दिखाओ ना, तेरी गंदी शक्ल सबको देख ली, प्लीज प्लीज मेरे को देखना, नहा के आयूंगी जैसे बाल देख पूरे मेरे, तू नहाती तो है नहीं, बारिश तो भगवान तेरे पे मेहर करे, देख आज वो ही ना। हाँ ओ ये मुझे कालिया बोल रही, देख तो कैसे हंगाम कर दिया, देख 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 लड़ाई हो रही है, पहुंचते पहुंचते भी इनकी लड़ाई आ चल रही है, देखो कमेंट करके बताया आई एम अ ब्लैक, उसको 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 स्टैंड दे, ब्लैक मेरी रश्वती हॉस्टल इन लोगों का, और ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए आप, नजारे देखिए तो सुंदर है। वो कौन सा वाला हॉस्टल था, ये पीएचडी वालों का शायद, और ये भी कोई हॉस्टल है लिखा है कुछ, पता नहीं कौन सा है, ढंग से दिख रहा देख ले, वही ना ढंग से नहीं दिख रहा पेड़ों की वजह से। ये पार्किंग एरिया अच्छे ढंग से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए का है, ये स्टैंडिंग का रूम इधर, बाय। और ये चलिए इनका रूम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है बेचारे, देखिए देखिए ये है इनका रूम, इनका आई मीन मेरा रूम, ये है इनके बाहर का भी, ये हमारी अलमीरा है बहुत बड़ी बड़ी सी, ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी सी अलमीरा, और प्रांजलि की बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हॉस्टल है हमारा मंदाकिनी, अभी आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। इसके सीधे डाइनिंग हॉल है इसके सीधे आगे, और ये है कुछ ऐसा डाइनिंग हॉल हमारा, और इसके अंदर ही मैस है जो अभी बंद होगी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इसके अंदर मैस है, और ये यहाँ पे हम वॉश करते हैं बर्तन वगैरह, तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए, जो कि हम कभी नहीं पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है हमको सुबह सुबह। और ये कॉमन हॉल, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, और इसके जस्ट सामने वार्डन मैम का रूम, तो अभी मैं लेके चलती हूँ आपको अपने रूम पे, और ये कुछ व्यू है यहाँ से ऐसा सुंदर सा, तो चलिए मैंने आज शूज भी धुले अपने रूम दिखाती हूँ आपको।
थोड़ा फैला हुआ मिलेगा आपको। बस इतना ही है हमारा रूम, अभी आगे चलते हैं। ये हमारा वॉशरूम और ये हमारे हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर। और ये सबसे मतलब फर्स्ट हॉस्टल था HNB का, गर्ल्स हॉस्टल, सबसे पुराना हॉस्टल यही है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।